बच्चों को जंजीरों से बांधकर मारने पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मदरसे में जंजीरों में बंधे हुए एक बच्चे का वीडियो सामने आया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मदरसे के दो शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक जिले के खिजराबाद कस्बे के बोम्बेपुर मदरसे में होमवर्क नहीं कर पाने पर शिक्षक बच्चों को जंजीरों से बांध कर पिटाई करते थे। ऐसे ही मदरसे के एक बच्चे ने अपने पिता को इस करतूत के बारे में बताया था। दूसरे दिन जब पिता मदरसे पहुंचे तो देखा उनका बेटा जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसे देखकर वो दंग रह गए। पीड़ित बच्चे के पिता ने इसका वीडियो बना लिया, खिजराबाद थाने में इसकी लिखित शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने मदरसे के बच्चों से पूछताछ कर और वीडियो फुटेज के आधार पर मदरसे के दो शिक्षक साबिर और मुबारक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दो लड़के मेहताब और अनीस को उनके साथ सजा दे रहे, उनको 27 को तो उसके लड़के मेहताब को जंजीरों से बांध रहे पाँव में, और 37 को दूसरे लड़के अनीस को बांध रहता था। उनको जाए बच्चों को तंग करते, परेशान करते हैं, जो शिकायत प्राप्त हुई कार्रवाई कर दी, मुकदमा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। इस संबंध में मदरसे के बच्चों और अन्य शिक्षकों से पूछताछ की गई है। आरोपी शिक्षक फिलहाल मौके से फरार है, उनकी तलाशी के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन मदरसे की इस करतूत से इंसानियत और शिक्षक जैसे सम्माननीय पदों की गरिमा जरूर धूमिल हो गयी है।